से मिलिए। ये है श्रीमान क्यों जीमल। बात बात पर पूछते हैं क्यों क्यों क्यों। भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये है उनके दोस्त श्रीमान कैसलिया। ये भी कोई कम नहीं है। अवसर पाते ही पूछते हैं कैसे कैसे कैसे। संयोग वश एक दिन गुरुजी की इन दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई। अब वे क्यों और कैसे के बीच किस प्रकार भटकते रहे, यह जानना हो तो देखिए। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो बेटा। गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? जरा बाजार जा रहा हूँ। बाजार? क्यों क्यों क्यों? गेहूँ पिसवाना है इसलिए। बाजार? कैसे कैसे कैसे? साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी साइकिल दे दी। अच्छा, गेहूँ पिसवाना है? क्यों क्यों क्यों? अरे आटा जो चाहिए। पिसवाना? कैसे कैसे कैसे? चक्की में मेरे बच्चे। आटा? क्यों क्यों क्यों? क्या मतलब? रोटी नहीं बनाएंगे क्या? रोटी? कैसे कैसे कैसे? अरे आटे को गूंधेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। गूंधेंगे? क्यों क्यों क्यों? बेटा गूंधे आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बेली गई रोटी को पकाता है, इसलिए पहले आटा गूंधेंगे। गूंधेंगे? कैसे कैसे कैसे? तुमने कभी देखा नहीं है क्या? परात में आटा निकालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए गूंधना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से गूंध लेंगे, समझे? अच्छा, अब परात पर। क्यों क्यों क्यों? या कैसे कैसे कैसे? तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी? क्यों क्यों क्यों? बंद हो जाएगी? कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फुर्र हो चुके थे। इधर क्यों जी मल और कैसलिया एक दूसरे के गले में बाहें डाले गुरुजी को दूर जाते हुए देख रहे होते हैं। अगले दिन क्यों जी मल और कैसलिया की मुलाकात गुरुजी के परम प्रिय शिष्य रामपाल से होती है। गुरुजी से उसने सारा हाल सुन लिया था। वैसे भी वह कई दिनों से क्यों जी मल और कैसलिया की यह आदत छुड़वाना चाह रहा था। सारा गांव जो परेशान था उनसे। नमस्ते रामपाल भैया। नमस्ते। नमस्ते मल भैया। आपके हाथ में लाठी? क्यों क्यों क्यों? गुरुजी ने मंगवाई है। मल मंगवाई है? क्यों क्यों क्यों? अरे कल गुरुजी को दो लड़कों ने उल्टे सीधे प्रश्न पूछ पूछ कर बेहाल कर दिया था। वे कह रहे थे कि फिर वे लड़के मिले तो लाठी से उनकी पिटाई करूंगा। या पिटाई? कैसे कैसे कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। और रामपाल ने लाठी लेकर दोनों को पीटना शुरू कर दिया। दोनों जान बचा कर भागे। अब उनकी क्यों और कैसे पूछने की आदत छूटी या नहीं, ये तो वही दोनों बता पाएंगे।